नमस्कार, मैं निर्देशक लाल बाबू पंडित और ये हमारे एसएस रेड्डी गंगोत्री फिल्म स्टूडियो के मालिक ऑनर हमारे फरिश्ता जो फिल्म अभी आने वाली है इसके लिए हम लोग आज आए हैं। डेट अनाउंस करनी है और ट्रेलर किस तारीख को आ रही है, तो हमारे एसएस रेड्डी सर प्रोड्यूसर आज ही लौटे हैं दुबई से। तो सर, फरिश्ता अभी लोगों ने पोस्टर का बहुत तारीफ किया है, ट्रेलर हम लोग कब तक 12 को सोच रहे हैं, 12 का क्या है? 12 तारीख को, फरवरी 12 को छोड़ देंगे ट्रेलर को, एंड मार्च फर्स्ट वीक में रिलीज़ करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, मेरा फर्स्ट पिक्चर है काशी विश्वनाथ, रितेश पांडे की जब किया था, और सेकंड पिक्चर हीरो के साथ किया था। रेड्डी सर, खेसारी जी के साथ काम करके कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा, बहुत हार्ड वर्कर है, बहुत अच्छा लगा, बहुत हार्ड वर्कर है, प्रोड्यूसर को नंबर वन हीरो है। कुछ कहना चाहेंगे पर्सनली तौर पर खेसारी को आप? हाँ, डेट मिले तो फिर करने के लिए रेडी है। मतलब इतना अच्छा लगा कि दोबारा उनके साथ फिल्म में करना चाहता है। मार्केट में खबरें आ रही है कि फरिश्ता की पार्ट टू भी बन सकती है। स्टोरी रेडी हो गए तो करने के लिए तैयार है पार्ट टू का भी। अच्छा, तो स्टोरी उसके साथ उतना अच्छा लगाना पड़ता, अभी जो है उसके डबल हाइप आना पड़ेगी, क्योंकि स्टोरी मिले तो जरूर करेंगे। सर, तमिल तेलुगु मलयालम फिल्में बना सकते हैं, भोजपुरी फिल्म बनाने क्या कुछ रीजन है, क्या मूड है आपको? तमिल तेलुगु भोजपुरी बहुत बड़ा इंडस्ट्री हो गया आजकल, मीडियम प्रोड्यूसर को जाने के लिए चांस नहीं मिलेंगे अभी। तो भोजपुरी इंडस्ट्री हमारे जैसा जो मीडियम प्रोड्यूसर्स मिडिल प्रोड्यूसर्स का अच्छा बेस है। कैसा रहा डायरेक्टर, आपको कितना साथ देते हैं? डायरेक्टर कितना साथ देते हैं आपको? डायरेक्टर बहुत अच्छा हार्ड वर्कर है, तो पहले से मेरा साथ था, पूरा सपोर्ट किया था, इज अ गुड वर्कर। लाल बाबू जी, बहुत बधाई, पोस्टर बहुत अच्छा आपने बनाया है, क्या कुछ दर्शकों का रिस्पॉन्स आ रहा है? थैंक यू संजय जी, जो पोस्टर फरिश्ता की आई है लोगों ने बहुत पसंद किया है, मैं उसको इसलिए अपने भोजपुरी ऑडियंस हमारे जितने भी हैं सबको तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और पोस्टर का कुल मिला के रिस्पॉन्स बहुत अच्छा है, लोगों को एक नयापन दिख रहा है फरिश्ता का। फरिश्ता की बात करेंगे तो कब तक दर्शक इसे दे सकते हैं? ट्रेलर फरवरी 12 तक हम लोग इसको ट्रेलर रिलीज करेंगे, और मार्च में फिल्म की रिलीज की तैयारी है, तो जिस दिन हम लोग ट्रेलर लॉन्च करेंगे उस दिन ही हम लोग अनाउंस करेंगे इसका थिएटर रिलीज हम लोग कब कर रहे हैं। इस फिल्म की सारी तैयारी कंप्लीट हो चुकी है? पूरी कंप्लीट हो चुकी है, पोस्ट ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है, सेंसर में फिल्म जा चुकी है, अब सेंसर हो जाए तो फिल्म ऑलमोस्ट कंप्लीट है। फिल्म के रिलीज के लिए खेसारी जी क्या कुछ तैयारियां चल रही है उनकी तरफ से? हमारी खेसारी जी से बात हुई है, सर से भी बात हुई है, और हमारे पीआरओ संजय भूषण पटियाला जी हैं, इनसे भी हमारी आज ही मीटिंग हम लोग डिस्कशन कर रहे थे इसके। हम लोग रिलीज, हम लोग इस पर पब्लिसिटी पे बहुत ज़्यादा जो हम लोग नहीं कर पाते हैं, इस बार इस फरिश्ता को लेकर हम लोग जो प्रमोशन है उसको तगड़ा करने वाले हैं, और उसके लिए खेसारी जी ने भी हमी भरी है, जो टाइम देंगे तो हम लोग इसका प्रमोशन का भी पुरजोर से हम लोग तैयार, जब ट्रेलर आ जाएगी उसके बाद से जब डेट अनाउंस होगी तो हम लोग इसके प्रमोशन में लग जाएंगे। 12 फरवरी को आप लोग फरिश्ता का ट्रेलर देख सकते हैं जैसा कि डायरेक्टर ने बताया, और फिल्म यानी कि मार्च में रिलीज होगी, और 12 तारीख को उसका डेट भी अनाउंस होगा कि इस डेट में रिलीज होगी फिल्म। सर अक्सर भोजपुरी फिल्में आजकल थिएटर में लगती है तो देखा जा रहा है तो कि दर्शक वहाँ नहीं पहुँच पा रहे हैं, सिर्फ यूट्यूब चैनल और टेलीविजन के माध्यम से ही ज़्यादा लोग देख पा रहे हैं, इसका क्या कुछ वजह है? देखिए, एक तो लोग कहते हैं थिएटर कारण है, वो तो है ही है, बट हम लोग हो सकता है कुछ अलग नहीं दे पा रहे हैं इसलिए ऑडियंस नहीं आ रही है। तो मुझे लगता है, पूर्ण विश्वास है कि हमने जो फरिश्ता बनाई है जो फिल्म, तो लोगों को बहुत पसंद आने वाली है, इसमें हमारे फैमिली परिवार इस फिल्म को ज़रूर देखने आएगी। इस फिल्म को मुझे पूरा विश्वास है, पूर्ण विश्वास है, जो इस फिल्म पे इस फिल्म में फरिश्ता में ऑडियंस थिएटर तक जरूर आएगी। जैसे पोस्टर में दिख रहा है कि खेसारी इसमें जो पागल के करेक्टर नजर आ रहे हैं, तो क्या कुछ संदेश देती है सिनेमा, किस तरह कहानी हो सकता है? कहानी सोशल फैमिली ड्रामा ही है,
अलग हटके नहीं है, लेकिन अभी मैं रिवील नहीं करूंगा, अभी पागल का लुक है, अभी अभी एक एक दस्तावेज खुलेगी, अभी और लुक उनका आएगा पोस्टर पे, तो दो तीन लुक में खेसारी जी है, तो क्या है नहीं है वो तो फिल्म देखने के बाद ही पता चलेगी। काफी लोग कह रहे हैं कि बॉलीवुड फिल्म से हिंदी फिल्म के लेवल में पोस्टर बना हुआ है, तो भोजपुरी सिनेमा था, भोजपुरी की तरह बनाना चाहिए था। नहीं नहीं, ऐसी कुछ नहीं, जैसा कॉन्सेप्ट है, एक कॉन्सेप्ट के अनुसार पोस्टर बनती है, तो हमारा कॉन्सेप्ट ही वैसा है। तो भोजपुरी सिनेमा और हिंदी सिनेमा 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 होती है, भाषा में इसको तब्दील नहीं किया जा सकता है। अगर ऐसा ही होता तो लोग इतना पसंद नहीं करते, लोगों को पसंद आ रही है, हमारी भोजपुरी ऑडियंस को पसंद आ रही है पोस्टर, तो कुछ उस तरह की कहानी है जो हम लोगों ने उस तरह का पोस्टर डिजाइन किया है। खेसारी के विरोधी जो कमेंट बॉक्स में देख रहे हो कि मैसेज किए हुए हैं कई सारे न्यूज यूट्यूब चैनल्स और वेबसाइट पे हैं कि ये भी फिल्म पारिवारिक नहीं हो सकती, इसमें डबल मीनिंग जैसे गाने या किस सीन भी हो सकते हैं। नहीं, मैं इस फिल्म को सेंसर यूज सर्टिफिकेट यूज सर्टिफिकेट ही देगी, क्योंकि इसमें कोई वल्गरिटी, मेरे कोई भी फिल्म में वल्गरिटी नहीं होती है, और ना दोअर्थी गाने मिलेंगे ना दोअर्थी संवाद मिलेगा इस फिल्म में। ये फिल्म एक 5 साल के बच्चे से लेकर 80 साल के बुढ़े तक देख सकते हैं इस फिल्म को। इसमें एक कहीं भी, मैं आप लोगों को मतलब अगर किसी ने लिखा है तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज़ आप लोग थिएटर में जाके अगर इस तरह की कुछ आपको लगता है कि द्वर्थी संवाद है, द्वर्थी गाने हैं, तो आप मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं, लेकिन मैं बता रहा हूँ इसमें कुछ ऐसी द्वर्थी शब्द नहीं है ना द्वर्थी गाने हैं। पूर्ण एक कंप्लीट एक बहुत मैसेजेबल सिनेमा है, संजय सिनेमा है। मैं इतना कह सकता हूँ कोई भी ऑडियंस जिसका काट का भी कलेजा होगा वो भी जाकर उसका आंख में आंसू आएगी इस फिल्म को देखकर। सर, खेसारी लाल यादव जी के साथ साथ इस फिल्म में और कौन कौन से कलाकार नजर आएंगे? इसमें खेसारी लाल यादव जी हैं, सुपरस्टार खेसारी लाल यादव जी हैं, मेघा सिरी जी हैं जो साउथ से हैं, उसके बाद पूजा गांगुली जी हैं, अमित शुक्ला जी हैं, श्रद्धा नवल जी हैं, प्रकाश जैस जी हैं, रिंकू भारती, खुशबू यादव, सोनू पांडे, अजय यादव, बहुत सारे तमाम कलाकार हैं इस फिल्म में। इस फिल्म को जो हमारे कैमरामैन हैं आरआर प्रिंस, इस फिल्म के लेखक हैं हमारे अरविंद तिवारी जी, म्यूजिक डायरेक्टर है कृष्णा वेदर्दी जी, फाइट मास्टर है दिलीप यादव जी, नृत्य निर्देशक जो डांस मास्टर हैं हमारे कानू दादा कानू मास्टर जी हैं, और इसके पीआरओ संजय भूषण पटियाला है, इसके प्रोडक्शन का जो संभाला विजय प्रसाद है, और हमारे जो प्रोड्यूसर है मेन जो गंगोत्री स्टूडियो के मालिक ऑनर बैठे हुए हैं यहाँ पे एसएस रेड्डी जी ने, इनका बहुत सहयोग मिला फिल्म कहीं भी मैंने कुछ भी ज़रूरत हो तो सर खुद अगर 7 की शिफ्ट है तो सुबह 6 बजे होटल के नीचे सर रहते थे, इनका बहुत सपोर्ट मिला। मैं आगे भी काम करना चाहूँगा रेड्डी सर के साथ। शूटिंग हम लोग लखनऊ में किए थे और 25 दिन की शेड्यूल थी फिल्म की, और पूरी फिल्म हमने लखनऊ में ही शूट की है। बहुत अच्छा लोकेशन था जिस घर पे हमने शूट किया, उनका बहुत बड़ा बहुत सहयोग मिला, मनोज यादव और संदीप यादव इन लोगों ने, उस पूरे गांव ने बहुत सपोर्ट किया था। लाल इस फिल्म को दर्शक क्यों देखें? दर्शक इसलिए देखेंगे क्योंकि देखिए सिनेमा जो होता है कुछ ना कुछ हर सिनेमा को कुछ ना कुछ संदेश देकर जाती है, जो हमारे समाज में घटता है, जो कहानियाँ हम लोग पिरोते हैं इसी समाज से लेकर कहानी हम लोग बनाते हैं। तो मैं पूर्ण अपने विश्वास के साथ कह रहा हूँ कि ऑडियंस अगर हमारे थिएटर तक जाएंगे, ऑडियंस देखेंगे तो ऑडियंस को निराशा मतलब पैसा वसूल फिल्म है। तो मैं हर डायरेक्टर हर प्रोड्यूसर हर हीरो यही कहता है कि मेरा फिल्म हटके है, लेकिन जब पिक्चर हॉल में लगती है तो एक ही तरह की सारी कहानी नजर आती है। नहीं देखिए कहानी तो एक वन लाइनर कहानी होती है, लेकिन उसको हम लोग देखिए दाल चावल सब्जी सब एक ही तरह का होता है, आप खाना किस तरह बनाते हैं और खाना बनाने के बाद खाना को परोस कैसे अच्छे खाने को अगर गलत तरीके से परोसिएगा तो वो मतलब उसका कोई माने नहीं रहता है। लेकिन मैं बोल रहा हूँ ये फिल्म रियली कुछ हटके है तो लोगों को पसंद आएगा। संजय जी हट बोलते हैं सबका, देखिए हर डायरेक्टर हर निर्देशक हर प्रोड्यूसर की मेहनत लगती है एक फिल्म बनाने में, 100 लोगों का एफर्ट रहता है, 6-7 महीना 8 महीना हम लोग मेहनत करते हैं फिल्म, तब जाकर 1.5 घंटे की फिल्म बनती है। तो स्वाभाविक है मेरी कहानी कुछ हटके है इस फिल्म को, मुझे विश्वास है कि ऑडियंस को मतलब थिएटर तक आएंगे और थिएटर से निकलने के बाद वही ऑडियंस मौखिक पब्लिसिटी से फिल्म बहुत आगे तक जाएगी, मुझे पूर्ण विश्वास है इस फिल्म को लेकर। फिल्म में अमित शुक्ला जी और क्या कुछ करेक्टर जरा बताएं उस बारे में। अमित शुक्ला और श्रद्धा नवल जी हैं जो
हीरो के जो है नहीं, यहाँ नहीं रिवील करूँगा क्या है, सबका अलग अलग किरदार है, जितने भी किरदार हमारे यहाँ पे काम किया, जिन्होंने जिस एक्टरों ने काम किया अपना 100% दिया है उन लोगों ने, तो अभी किरदार क्या है किसका है मैं रिवील नहीं करूँगा संजय जी, वो फिल्म देखने के बाद ऑडियंस जवाब देगी ना, ऑडियंस बताएगी जो सर कैसी फिल्म, गाली अगर अच्छी है तो अच्छी बोलेगी, खराब होगी तो भाई चलिए। लाल यादव जी सर कितने फिल्में अभी तक कर चुके, सबका नाम बताएं। मेरी पहली फिल्म थी जिला चंपारण खेसारी जी के साथ, उसके बाद आई राजा जानी खेसारी जी के साथ, उसके बाद कूली नंबर वन, अभी इसी साल रिलीज हुई है शादी हो तो ऐसी, अभी हाल फिलहाल 16 दिसंबर को रिलीज हुई राजा की आएगी बारात, और अभी ये हमारी फिल्म है जो क्या नाम है फरिश्ता अभी रिलीज हुई, तो कुल मिलाकर 6 फिल्में हमने अभी तक खेसारी जी के साथ कर चुका हूँ, और आगे तो अभी प्रोजेक्ट लाइनअप करेंगे। नए साल आ चुका है, जनवरी ख़त्म होने वाला है, क्या कुछ नए साल के सपने थे या कितने अधूरे हैं कितने पूरे हुए? नहीं देखिए, हम लोग तो रोज़ कुआं खोदने वाले, रोज़ पानी पीने वाले आदमी है, तो सपना तो है ही, काम अच्छा करने का सपना है, अच्छी अपनी भोजपुरी इंडस्ट्री, जितनी हमारे 35 करोड़ भोजपुरी भाषी हैं, तो हम लोग और बेहतर कैसे काम कर सके इसमें सभी लोग लगे, मैं भी जुटा हुआ हूँ, हमारी पूरी इंडस्ट्री जुटी हुई है, जो किस तरह से जो हमारे थिएटर से ऑडियंस पलायन की है वो कैसे वापिस आए, तो उस पर हर कोई काम कर रहा है, हम लोग मेहनत कर रहे हैं, जो कुछ नयापन कुछ अच्छा दे ऑडियंस को, जो फिर ऑडियंस जो एक एक जब फिल्म आती थी तो 4-5 लगता था जो नहीं उसके नीचे पहली पिक्चर नहीं उतरेगी थिएटर से, तो ठीक है फिर आप, मुझे पूर्ण विश्वास है कि फिर ऑडियंस आएगी हमारे थिएटर में। रेडी सर, काफ़ी नए निर्माता आते हैं फिल्म बनाने के लिए भोजपुरी इंडस्ट्री में, तो काफ़ी लोग भ्रमित करते हैं कि भोजपुरी फिल्में बनाने से फ़ायदा नहीं है, क्या आपको नुकसान हुआ इधर कुछ फिल्में बनाने से खेसारी लाल यादव को लेकर? अभी फिल्म रिलीज नहीं हुई है, ट्रेलर भी रिलीज नहीं हुआ है, आप नुकसान में या फायदे में है, आप सच बताइए। फायदे में yes. तो क्या नए निर्माताओं को फिल्म बनानी चाहिए भोजपुरी फिल्में? 100% बना सकते हैं। कुछ कहना चाहेंगे उन प्रोड्यूसरों को? प्रोड्यूसर बन सकते हैं, सिर्फ तो अच्छा प्रॉपर्टी मिल रहा है इधर, लॉस तो नहीं है, तो प्रोड्यूसर आ रहे पहले से पूरा देख लिए तो 100% प्रॉफिट नहीं रहता, जो मेरा फर्स्ट पिक्चर मुझे पता नहीं यहाँ का जो लैंग्वेज में थोड़ा दिक्कत था वो टाइम पे थोड़ा ट्रबल हो गया था, अभी तो कोई नहीं था प्रॉफिट में। सर हर जगह कॉर्पोरेट घुसी है, बॉलीवुड में हो या तेलुगू में हो या पंजाबी में हो या बंगला में कॉर्पोरेट कंपनियाँ घुस चुकी, भोजपुरी इंडस्ट्री में आपको क्या लगा, कॉर्पोरेट है या ऐसी नॉर्मल चल रहा है? अभी नॉर्मली चल रहा है, फ्यूचर में चांसेस है उन लोगों में घुसने के लिए, बिजनेस ज़्यादा है इधर, ज़्यादा है जो पॉपुलेशन ज़्यादा है जो ऑडियंस ज़्यादा है, तो कॉर्पोरेट कंपनीज घुसने के लिए 100% चांसेस है फ्यूचर। बिहार के दर्शकों को कुछ कहना चाहेंगे? बस यही आप लोगों से गुजारिश है कि बहुत एक फिल्म बनाने में हर निर्देशक हर प्रोड्यूसर बहुत मेहनत करते हैं, हर पूरी टीम मेहनत करती है, तो फिल्म जब बनती है तो फिल्म का मज़ा बड़े पर्दे पे है, तो प्लीज़ आप लोग से आग्रह है निवेदन है कि थिएटर में ज़रूर जाए, थिएटर में जाकर फिल्म को आप लोग जाएंगे तो प्रोत्साहन मिलेगी, हम लोगों को प्रोड्यूसर आगे आएंगे, हमारी भोजपुरी इंडस्ट्री हमारा भोजपुरी समाज आगे बढ़ेगा, तो आप लोगों से ही गुजारिश है जो आप लोग फिल्म को एक बार आशीर्वाद दे रहे हैं, जब थिएटर में आए तो फरिश्ता को आशीर्वाद देने जरूर पहुंचे। थैंक यू। रिप्लाई भी दे रहे थे ना, कभी रिलीज होगी 12 तारीख को।